हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोटबुक आईएसटी करंट अफेयर सीरीज में। आज है दिनांक 23 अगस्त 2023। आज हम चर्चा करने वाले हैं आज के 10 महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज के पहले टॉपिक पर। आज का पहला टॉपिक है भारत एनसीएपी यानी कि न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम 22 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। कार्यक्रम का लक्ष्य भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा को बढ़ाना है। भारत एनसीएपी भारत में वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता को भी काफी बढ़ावा देगा, साथ ही सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए OEM के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगा। यह एक स्वच्छ प्रोग्राम है जिसमें एक दिए गए मॉडल के बेस वेरियंट का परीक्षण किया जाएगा। यह प्रोग्राम 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगा और यह ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यानी कि AIS 197 पर आधारित होगा। नजर डालते हैं आज के दूसरे टॉपिक पर। आज का दूसरा टॉपिक है ओनम 2023। ओनम दक्षिण भारत का प्रमुख पर्व है। यह पर्व विशेष रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है। ओनम केरल में 10 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। मलयालम कैलेंडर के अनुसार ओनम का पर्व चिंगम महीने में मनाया जाता है। चिंगम मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है, जो ज्यादातर अगस्त और सितंबर के बीच में आता है। ओणम का पर्व पूरे 10 दिनों तक चलता है। इसके प्रथम दिन को अथम और 10वें दिन को फिर ओणम कहा जाता है। इस दिन केरल में प्रसिद्ध सर्प नौका दौड़ और कथकली नृत्य का आयोजन किया जाता है। थिरु का अर्थ है पवित्र और ओणम पर्व का नाम है। मान्यता है कि इस दिन राजा महाबली पाताल लोक से धरती पर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, जिसकी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। देखते हैं आज का तीसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक है नगरनाथ इस्पात संयंत्र। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री द्वारा 20 अगस्त 2023 को यह कहा गया कि केंद्र सरकार को नगरनाथ स्टील प्लांट का निजीकरण करके बस्तर के लोगों की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। नगरनाथ इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। यह स्टील प्लांट की प्रमुख तकनीकी सुविधाओं में 45.6 मीटर क्यूब यानी उपयोगी मात्रा क्षमता के साथ भारत के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस यानी कि BF में से एक, हिंसलैब कॉस्टर यानी कि TSC के साथ हॉट स्ट्रिप टिल बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस यानी कि BOF 2.7 मीटर लंबे कोक ओवन शामिल है। NMDC की वेबसाइट सेंस के बारे में कहती है कि भारत को इस्पात क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। देखते हैं आज का चौथा टॉपिक। आज का चौथा टॉपिक है चीनी योजना दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए चीनी योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री से मंजूरी मिलने के बाद अब यह फाइल LG के पास भेजी जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के तहत सभी NFSA लाभार्थियों को मिलने वाले गेहूं चावल के अलावा दिल्ली सरकार ने मुफ्त चीनी देने का निर्णय किया है। 68,747 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड धारकों सहित लगभग 2,80,290 लाभार्थियों को इस निर्णय से लाभ होगा। इस पहल के कार्यान्वयन के लिए हर महीने लगभग 1.11 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट की आवश्यकता होगी। इस पहल का उद्देश्य गरीब परिवारों के सामने आने वाली कठिनाइयों को कम करना और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। देखते हैं अगला टॉपिक, मालाबार नौसैनिक अभ्यास। मालाबार नौसैनिक अभ्यास का 27वां संस्करण सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर 2 चरणों, 15 चरण 11 से 15 अगस्त तक और समुद्री चरण 16 से 21 अगस्त तक में आयोजित हुआ। अभ्यास में भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना यानी कि RAN और जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि JMSDF और अमेरिकी नौसेना यानी कि USN के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों की भागीदारी देखी गई। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो पैसिफिक को सुनिश्चित करने एवं सभी के लिए शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए भाग लेने वाले चारों देशों के मजबूत सहयोग, साझा मूल्यों और सामूहिक क्षमता को प्रदर्शित करना है। नजर डालते हैं आज के अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज का अगला टॉपिक है फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। जानते हैं इसके बारे में। RBI ने पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म और फ्रिक्शनलेस क्रेडिट के लिए एक पायलट कार्यक्रम की शुरुआत की, जो उधारदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी की सुविधा प्रदान करके फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्रदान करने का प्रयास करेगा। RBI के अनुसार यह पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म को ऋणदाताओं को आवश्यक डिजिटल डेटा के सहज प्रसारण को सुनिश्चित करके ऋण के सुचारू प्रावधान की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया है। यह व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म की एक खुली संरचना, समावेशी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस यानी कि API और स्थापित मानकों के साथ काम करेगा, जो वित्तीय क्षेत्र के सभी प्रतिभागियों को प्लग एंड प्ले
स्मार्टफोन के माध्यम से सहजता से एकीकृत करने में सक्षम करेगा। देखते हैं आज का अगला टॉपिक। आज का अगला टॉपिक है भारत ने हरित हाइड्रोजन मानक के उत्सर्जन सीमा निर्धारित। जानते हैं इसके बारे में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि MNRE ने हाल ही में एक स्पष्ट ग्रीन हाइड्रोजन मानक को परिभाषित किया है जो हरित के रूप में वर्गीकृत हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए उत्सर्जन सीमा निर्धारित करता है। हरित हाइड्रोजन का अर्थ नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन करना है जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस या बायोमास के रूपांतरण के माध्यम से उत्पादन शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। MNRE ने निर्धारित किया कि ग्रीन हाइड्रोजन में पिछले 12 महीने की अवधि में औसत रूप में लिए गए प्रतिशत किलोग्राम हाइड्रोजन के बराबर 2 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से अधिक का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए। देखते हैं आज का अगला टॉपिक। आज का अगला टॉपिक है शतरंज विश्व कप 2023। जानते हैं इसके बारे में। ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने बाकू अजरबैजान में विश्व कप 2023 के शतरंज टूर्नामेंट के टाई ब्रेकर राउंड में विश्व के नंबर 3 खिलाड़ी को हराकर जीत हासिल की है। शतरंज विश्व कप 2023 का आयोजन विश्व में शतरंज की नियामक संस्था अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि FIDE द्वारा किया जाता है। इसका गठन एक गैर सरकारी संस्था के रूप में किया गया है। FIDE का मुख्यालय वर्तमान में लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, लेकिन शुरुआत में इसकी स्थापना वर्ष 1924 में पेरिस में आदर्श वाक जेम्स उना सुमस के तहत की गई थी। सबसे कम उम्र के भारतीय ग्रैंड मास्टर और सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय मास्टर प्रज्ञानंद ने वर्ष 2019 में विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप जीता और वर्ष 2021 में एशियाई कॉन्टिनेंटल शतरंज चैंपियनशिप में जीत हासिल की। देखते हैं आज का अगला टॉपिक। छात्र नेतृत्व वाली जल संसद पहल से जल संरक्षण को बढ़ावा। जानते हैं इसके बारे में। केवल एक वर्ष में राजस्थान के जोधपुर जिले के श्याम सदन स्कूल ने जल प्रथाओं में परिवर्तनकारी बदलाव देखा है। स्कूल की जल संसद यानी कि वाटर पार्लियामेंट की स्थापना वर्ष 2022 के मध्य में की गई थी जिसमें छात्रों को जल संरक्षण गतिविधियों की एक श्रृंखला में शामिल किया गया। छात्र पानी के उपयोग पर नजर रखने, जागरूकता अभियान आयोजित करने और डिजिटल रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए ऑडिट करते हैं। इस वर्षा जल संचयन से स्कूल के पोषण उद्यान की सिंचाई होती है जो जल बचत प्रथाओं के अभिनव एकीकरण को प्रदर्शित करता है। देखते हैं आज का आखिरी और 10वां टॉपिक। भारत ने अपने पहले 3D प्रिंटेड डाक घर का अनावरण किया है जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में किया है। 3D प्रिंटिंग में डिजिटल मॉडल का उपयोग करके परत दर परत वस्तुओं का निर्माण शामिल है। यह पारंपरिक विनिर्माण विधियों से भिन्न है। यह अग्रणी डाकघर परियोजना निर्माण और उससे परे 3D प्रिंटिंग की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालती है क्योंकि इसमें रॉकेट बनाने से लेकर चिकित्सा उपकरण बनाने तक विभिन्न देशों में अनुप्रयोग मिलते हैं। 3D प्रिंटिंग के अनुप्रयोग निर्माण से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। एरोस्पेस, ऑटोमोटिव और हेल्थ केयर जैसे उद्योगों ने इसकी क्षमता का दोहन किया है। यह COVID-19 महामारी के दौरान रॉकेट, चिकित्सा आपूर्ति और यहां तक कि महत्वपूर्ण वेंटिलेटर घटकों के उत्पादन में सहायक रहा है। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IS।